नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। लंदन के द ओवल मैदान पर खेले जा रहे टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में भारतीय टीम के बल्लेबाज हनुमा विहारी ने अपने टेस्ट करियर का आगाज किया। अपने आगाज के साथ टीम इंडिया के इस नए सितारे ने टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ा कीर्तिमान हासिल किया। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के 5वें व अंतिम टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाले हनुमा विहारी ने जिस तरह से बल्लेबाजी की वो काबिले तारीफ थी। लेकिन मैच से पहले टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाजों में शुमार पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने भारतीय टीम के प्लेइंग 11 पर सवाल खड़ा किया था। गावस्कर खासतौर पर इस बात से नाराज थे कि टीम मैनेजमेंट ने अंतिम मैच में करुण नायर को टीम में जगह नहीं दी। यानी गावस्कर चाहते थे कि हनुमा विहारी के बदले टीम मैनेजमेंट करुण नायर को प्लेइंग 11 में शामिल करते। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि करुण नायर एक आला दर्जे के बल्लेबाज हैं। वो वीरेंद्र सहवाग के बाद टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाले मात्र दूसरे बल्लेबाज हैं। लेकिन टीम मैनेजमेंट ने उनकी जगह हनुमा विहारी पर ज्यादा भरोसा जताया, जिस बात से गावस्कर आग बबूला हो उठे। लेकिन अब लगता है कि गावस्कर को हनुमा विहारी ने अपने प्रदर्शन के दम पर जवाब दे दिया है। दरअसल विहारी ने इंग्लैंड के खिलाफ अपने करियर के पहले ही मैच में 56 रनों की शानदार पारी खेल पहली पारी में जडेजा के साथ मिलकर टीम इंडिया को संभाला। इस मैच और सीरीज में जहां एक तरफ विराट कोहली के अलावा टीम इंडिया का लगभग हर बल्लेबाज इंग्लैंड के गेंदबाजों के आगे बेबस नजर आया, लेकिन अपना पहला ही मैच खेल रहे विहारी एक परिपक्व बल्लेबाज की तरह खेले। उन्होंने इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाजों के आगे अपने घुटने नहीं टेके और उन्होंने 124 गेंदों का सामना करते हुए 7 चौके और 1 छक्के की मदद से 56 रनों की शानदार पारी खेली। और अपने पहले ही मैच में शानदार अर्धशतक जड़ने वाले विहारी ने एक खास क्लब में भी एंट्री पाली है। दरअसल हनुमा विहारी भारत के 4थे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने इंग्लैंड की सरजमी पर डेब्यू मैच में ही अर्धशतक जड़ दिया हो। साथ ही अपने डेब्यू मैच में अर्धशतक जड़ने वाले विहारी भारत के 26वें खिलाड़ी भी बने। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि उन पर भरोसा नहीं जताने वाले सुनील गावस्कर का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। वैसे इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अन्य खबरों के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स आवर।